Happy World Environment Day to everyone. Today is 5th June and we are celebrating World Environment Day. But do you know why do we need to celebrate this day? We can see that many people and many industries are destroying our nature, our environment, our ecology. They are cutting down trees, they are killing animals, they are destroying the forest just in the name of development. And it has led to many bad consequences. We can see the rising temperature of our planet. We can see global warming. We are facing climate change due to all these things. We can see the changes in the pattern of rainfall. We are seeing dying animals. All this has a very bad effect on our environment. So we, the youth, the children, and as an individual, we should take some steps to save our environment. We as an individual can plant trees. We can reuse the waste that we see around us. If we find some plastic bags or plastic bottles, then we can use it for kitchen gardening. We can plant small plants on it. This will be a very small step from our side, but gradually, if we all start doing this, then we can lead to a healthy, safe, and good environment. So, we as the youth of this nation should take some steps to save our environment. इंडियन यूथ फेडरेशन ये सिर्फ कुछ युवा संगठन का एक प्लेटफॉर्म या एक ग्रुप नहीं है, ये एक सोच है, वो सोच जो बदलाव चाहती है। ये बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ वो कदम है जो उस सपने को पूरा करना चाहती है जो कभी गांधी जी ने देखा था। वो सपना एक ऐसे भारत का जहां गैर बराबरी के लिए कोई जगह ना हो, जहां महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चे स्कूल की तरफ भागते नजर आए, यहाँ किसान खुशी खुशी अपने देशवासियों के लिए अनाज उगाए। एक ऐसे भारत की रचना करने का एक कदम जिसमें हर युवा साथी, चाहे वो जिस भी राज्य का हो, चाहे वो शहरों में रहता हो, गांव में या फिर पहाड़ों में रहता हो, वो सभी एकजुट होकर हम आवाज बनकर उन सारे सवालों को, उन सारे मसलों को एक जगह लाकर उनको, उन पर आवाज उठाता है और उन मसलों पर उनका हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और बदलाव इसी से, छोटी छोटी कोशिशों से होगा और ये मुमकिन है। और इस मुमकिन, इस पूरे प्रोसेस में ये पहला कदम जो इंडियन यूथ फेडरेशन ने लिया है, इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी वेस्ट बंगाल के कुछ जिलों को लेकर, और आज 9 राज्य से युवा साथी जुड़ चुके हैं बहुत सारे मुद्दों के साथ, बहुत सारे एक्शंस के साथ, और इसी के साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे और बदलाव होकर रहेगा। अंधाधुंध शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों, जंगल, नदियां, समुद्र और पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज पर्यावरण का संकट इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। अब समय है कि हमने जो नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है उसकी भरपाई करें, प्लास्टिक बैन करें, इको फ्रेंडली चीजें इस्तेमाल करें, बायोफ्यूल का कम इस्तेमाल करें। यही संयुक्त राष्ट्र का भी इस साल का थीम है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। आइए इको सिस्टम को बचाएं, अपने जंगल, जमीन, नदियों को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा।